नसरुल्लागंज के बोरखेड़ा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रॉली में सवार 29 यात्री घायल हो गए। इनमें से 9 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसरुल्लागंज में भर्ती कराया गया और गंभीर घायलों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। ट्रॉली में सवार सभी लोग देवास जिले के खातेगांव तहसील ग्राम अमेली के रहने वाले थे। ये सभी नसरुल्लागंज तहसील के रुजन खेड़ी पीटल बाबा के दरबार में व्रत तोड़ने के लिए आए थे। तभी नसरुल्लागंज से खातेगांव की ओर जा रही ट्रॉली का हिच टूट गया, जिससे ट्रॉली पलटी खा गई। बहरहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। हुआ है इसकी वजह से कुछ जानकारी देंगे। हाँ, ये ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है अमेली गांव है खातेगांव तहसील का, वहाँ के जो है श्रद्धालु लोग आए थे। यहाँ पर हमारे रोजन गिरी में एक देव बाबा का स्थान है, वहाँ पर ये लोग सभी दर्शन करने आए थे और ये दर्शन करके जब लौट रहे थे तो रास्ते में बोरखेड़ी के समीप जो है इनकी ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच का वो बीच रहता है, उसके निकल जाने की सोच थी तो उसमें प्रॉब्लम आ गई तो वो निकल गया। उस वजह से ट्रॉली खड़ी होकर के पलटी खा गई। इससे जो है करीब 29 महिला पुरुष और बच्चे घायल हुए, उसमें से 10 को हम लोगों ने रेफर करा दिया। इसलिए गंभीर रूप से दिखाई देते हैं, उनको हम लोगों ने रेफर करा दिया है भोपाल के लिए। और एक महिला भी जो थोड़ा सा उसको रीजन बीजेपी के लिए तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है, अगर उनके कोई ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि उनको भी देखना पड़ेगा तो हम लोग उनको भी रेफर करा करके भोपाल भेजेंगे। टोटल 29 लोग घायल हुए हैं, बाकी के लोग सभी सुरक्षित हैं और सभी ठीक हैं। सभी को यहाँ पर उपचार दिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको काफ़ी उपचार के बाद छूट गया और करीब 10 लोग अभी भी यहाँ पर उपचारत हैं। ना वही है इसमें हमारे पास हॉस्पिटल में जो है करीब यहाँ पर 8 बजे करीब 7:30-8 के बीच में ट्रॉली पलट के हमें बताया गया कि जिसमें कुछ पेशेंट बैठे हुए थे, मरीज लोग बैठे थे और वो ट्रॉली जो पलट गई थी, मतलब कुछ व्यक्ति थे वो पलट गई थी और उन सभी पेशेंटों को यहाँ एकदम लाया गया। उसमें जो उनकी कुल संख्या जो 29 है, जिसमें से 3 या 4 पेशेंट थोड़े गंभीर प्रकृति के थे, जिनको हमने तुरंत जो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और उन्होंने भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल रेफर कर दिया।